हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश फ्रॉम स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश मीडियम, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में द एनोरमस टर्निप स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या सीखा था, याद है? हमने सीखा था एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है, वो टर्निप के सीड को लगाता है, फिर वो जो टर्निप है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो वो जब बड़ा हो जाती है तब वो उसको निकालने की सोचता है, लेकिन वो जो टर्निप था वो बहुत ही बड़ा हो चुका था, इसलिए वो अकेले उसको निकाल नहीं पाया। तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत, एक ओल्ड वूमन आती है, तो वो कहता है कि मैं इस टर्निप जो है उसको निकालना चाहता हूँ। तो वो जो बूढ़ी औरत है, ओल्ड वूमन है, वो कहती है कि आई विल हेल्प, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वो जो दोनों मिलकर, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, पिक्चर में दोनों मिलकर उस टर्निप को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो टर्निप है वो निकलता नहीं है। उसके बाद वहाँ पे एक बॉय आता है, एक लड़का आता है, तो वो बूढ़ी औरत है वो कहती है कि हम दोनों मिलकर इस टर्निप को निकाल रहे हैं, लेकिन ये निकल रहा नहीं है। तो वो जो लड़का है वो कहता है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, सहायता करूँगा। और फिर वो तीनों मिलकर उस टर्निप को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो टर्निप है वो निकलता नहीं है। उसके बाद वहाँ पे एक गर्ल आती है, एक लड़की आती है, तो वो लड़का था वो कहता है कि हम तीनों मिलके इस जो टर्निप है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निकल रहा नहीं है। तो फिर वो जो लड़की है वो भी उनकी सहायता करती है, और फिर वो चारों मिलके उस टर्निप को निकालने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट में आप देख सकते हैं पिक्चर में वो जो टर्निप है वो निकल जाता है। फिर लास्ट में सब क्या कहते हैं के वी विल हेल्प यू टू ईट द एनोरमस, अब हम सब तो खाने में इसकी तुम्हारी मदद करेंगे, और ये चारों मिलकर ये जो टर्निप है उसको खाते हैं। तो यहीं हमने स्टोरी में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर देखे थे, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऐसी पिक्चर ड्रॉ करना है जो ऐसे वेजिटेबल जो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे हमने वो भी सीखा था। उसके बाद जो अदर एक्टिविटीज़ थी वो भी हमने देखी थी। आज हम उसके बाद की जो नेक्स्ट एक्टिविटी, जो अगली जो एक्टिविटी वो आज हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में टीम टाइम, उसमें ग्रो अ प्लांट। यहाँ पे अगर आपको एक प्लांट लगाना है अपने घर में तो वो कैसे लगाना है, यहाँ पे उसकी एक मेथड दी गई है। थिंग्स रिक्वायर्ड, चीज़ें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, ग्लास, ब्लोटिंग बॉय पेपर, सम सेंड, सम सीड्स ऑफ बीन्स और राजमा। तो यहाँ पे आपको एक ब्लोटिंग पेपर चाहिए, ग्लास चाहिए, सम सेंड मीन्स के जो मीन्स रेत होता है, सम सीड, और सीड किसके, तो बीन्स के या राजमा के, बीन्स आपको चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे मेथड दी गई है कैसे करना है। सबसे पहले लाइन द ब्लोटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास, यहाँ पे आपको जो ग्लास के अंदर लाइन द ब्लोटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास, यहाँ पे आपको एक जो ब्लोटिंग पेपर है उसको इस तरह से ग्लास के अंदर रख देना है। उसके बाद क्या करना है, तो प्लेस द सैंड इन द ग्लास, सैंड मीन्स रेत, तो आपको जो रेत है उसको इस ग्लास के अंदर फिर डालना है। उसके बाद वेट द सैंड, वेट मीन्स गीला करना, उसके बाद सैंड है मीन्स होता है रेत, तो जो रेत है उसको आपको गीला करना है। उसके बाद प्लेस अ फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लोटिंग पेपर एंड द ग्लास, फिर जो आपने रेत अंदर डाली है उसके अंदर आपको जो सीड्स है, जो आपने सीड्स लिए बीन्स के या राजमा के या कोई भी अदर आप अगर लेते हो तो वो उसके अंदर फिर आपको डालने हैं। सी डेट द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, अब आपको देखना है कि जो सीड्स है वो कैसे एक दूसरे से अलग है। सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड्स ग्रो, ओके। फिर आपको देखना है कि कैसे जो पौधा है उसकी जड़ें है वो बढ़ती है, ओके। तो इस तरह से आप अपने घर में एक प्लांट भी लगा सकते हो, ये सारी जो चीज़ें वो आपके घर में हो ही सकती है, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मेक अ फ्रेंडशिप सलाड, सलाड बनाना है, ओके। थिंग्स रिक्वायर, चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें कि आप चाहिए सलाड बनाने के लिए, तो कैरेट्स, आपको कैरेट्स चाहिए, उसके बाद टमेटोज,
पीस 2 स्पून एंड लेमन, 1 लेमन आपको चाहिए यहाँ पे ओके सलाद बनाने के लिए। उसके बाद मेथड दी गई है, मेथड सबसे पहले क्या करना है, वॉश ऑल वेजिटेबल्स वेल। तो सारे जो वेजिटेबल्स है ना, कैरट, टोमेटोज, पीस, लेमन, ये सारे आपको वेजिटेबल अच्छे से वॉश करने हैं। कट द कैरट, टोमेटोज एंड लेमन। उसके बाद आपको अच्छे से कैरट और जो टोमेटो है और जो लेमन है उसको कट कर देना है। मिक्स द पीस, कैरट्स एंड टोमेटोज टुगेदर। उसके बाद उसको कट करके सबको अच्छे से मिक्स कर देना है ओके। उसके बाद स्क्वीज लेमन जूस ऑन टॉप। फिर आपको जो लेमन है उसको स्क्वीज करना है, उसको निचोड़ना है और उसका जो जूस है वो आपको उस पर डालना है ओके। उसके बाद एड सॉल्ट। फिर जूस डालने के बाद आपको ऊपर थोड़ा सॉल्ट मिक्स नमक डालना है। फिर मिक्स वेल। उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स करना है। शेयर योर सलाद विथ योर फ्रेंड्स। और आपका जो सलाद है वो रेडी हो चुका है, आपको शेयर करके फिर खा सकते हो। बहुत ही इजी रीत है, आप घर पे बना सकते भी हो। ये सारी जो चीज़ें आपके घर पे उपलब्ध होती है, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके आप अच्छे से सलाद बना सकते हो। उसके बाद लेट्स राइट। लेट्स राइट में क्या करना है, हाउ डू यू लाइक टू ईट दिस वेजिटेबल्स, रॉ और कुक्ड, शे वाई। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिखे हैं, तो वो आपको, आप कैसे खाते हो, रो मीन्स कच्चा खाते हो या कुक्ड मीन्स पकाया हुआ खाते हो, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है ओके। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स में फर्स्ट है कैरेट। तो कैरेट आप कैसे खाते हो, रो मीन्स कच्चा खाते हो या कुक बनाया हुआ खाते हो, तो यहाँ पे हम जो कैरेट है वो कच्चा खाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम रो लिखेंगे। उसके बाद है टर्निप। तो टर्निप जो है उसको हम कुक मिस के पका के खाते हैं, क्योंकि जो टर्निप है वो बहुत ही मोटा सा होता है, इसलिए उसको कुक करने के बाद वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद ही हम उसको खा सकते हैं, इसलिए जो टर्निप है उसको हम पका कर खाएंगे। उसके बाद है पोटैटो। पोटैटो जो है जो मोस्ट ऑफ सब पका कर ही खाते हैं, तो पोटैटो भी आएगा कुक्ड। उसके बाद है ओनियन। ओनियन हम सलाद के लिए भी यूज़ करते हैं और उसे पका कर भी खाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम रो भी लिखेंगे, कुक भी लिखेंगे। उसके बाद बीन्स। बीन्स भी हम कुक्ड पका कर ही खाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कुक्ड। ये सारे जो वेजिटेबल्स है उसको हम कच्चा खाते हैं या पका कर खाते हैं, वो हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक देन विद देयर नेम्स हियर। तो लास्ट वीक में आपने क्या चीज़ें खाई थी, वो आपको कौन से वेजिटेबल खाए थे, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपने जो भी खाया वो आप लिख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है कैबेज, फिर है स्पिनच, लेडी फिंगर एंड पम्पकिन। ऐसे आपने लास्ट वीक में जो भी चीज़ खाई थी वो यहाँ पे आपको कोई भी 4 वेजिटेबल के नाम लिखने हैं। उसके बाद है कंप्लीट दिस कॉलम्स। तो यहाँ पे 1 एंड मैंने यहाँ पे सिंगुलर में लिखा हुआ है, आपको प्लूरल में मिस के मैनी आपको लिखना है। तो यहाँ पे कैरेट, तो कैरेट का मैनी मिस के प्लूरल होता है कैरेट्स, वैसे ही टर्निप, तो टर्निप सिंगुलर है तो उसका प्लूरल होगा टर्निप्स ओके, एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे प्लूरल में हम लिखेंगे टर्निप्स। उसके बाद है ओनियन। ओनियन तो ओनियन का मैनी होगा, प्लूरल होगा ओनियंस। उसके बाद है पोटैटो। तो पोटैटो का प्लूरल होगा पोटैटोस ओके। उसके बाद है टमेटो। तो टमेटो का मैनी मीन्स प्लूरल होगा टमेटोस ओके। उसके बाद है वोकैबुलरी, उसमें है 1 वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डिफरेंट देन द अदर्स, सर्कल द ऑड वन आउट ओके। तो यहाँ पे सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से एक जो वर्ड है वो डिफरेंट है, अलग है, उस पर आपको सर्कल करना है। फर्स्ट है टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट एंड ब्रिंजल। तो यहाँ पे जो टर्निप, पोटैटो, टोमेटो और कैरेट, जो ब्रिंजल है वो सारे क्या है, तो वेजिटेबल्स है, और जो सनफ्लावर है वो एक फ्लावर का नाम है, तो वो इन सब में डिफरेंट है, तो इसमें हम जो सनफ्लावर है उस पर सर्कल करेंगे। उसके बाद सेकंड है काउ, हॉर्स, कॉट, फॉक्स, कैंगारू, मेलन। तो यहाँ पे काउ मीन्स गाय होती है, हॉर्स मीन्स घोड़ा, कॉट मीन्स जो बकरी होती है, फॉक्स, कैंगारू, ये सारे क्या है, तो एक एनिमल्स है, सारे के सारे एनिमल्स है। उसके बाद लास्ट में दिया गया है मेलन। तो
तो मेलन क्या है, एक फ्रूट का नाम है, इसलिए ये सबसे डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पे मेलन पे सर्कल करेंगे। उसके बाद बेनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक एंड एप्पल। यहाँ पे बेनियन क्या है, तो ट्री का नाम है बेनियन, और नीम, पीपल, ये सारे क्या है, ट्रीज है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे जो स्नेक, तो स्नेक क्या है, एक एनिमल है, स्नेक में सांप होता है, तो ये स्नेक है वो एनिमल है, जबकि दूसरे जो दी है वो पेड़ है, तो जो स्नेक है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे हम स्नेक में सर्कल करेंगे। इसके बाद रोज़, लीली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पे रोज़, रोज़ में जो गुलाब होता है वो, फिर लीली, फिर सनफ्लावर, और लोटस, लोटस में कमल, सनफ्लावर्स में जो सूरजमुखी होती है वो। तो यहाँ पे ये जो सारे है वो क्या है, तो फ्लावर्स के नेम है। रोज़ है वो भी फ्लावर है, लीली जो है वो भी फ्लावर है, सनफ्लावर है वो भी एक फ्लावर है, लोटस है वो भी एक फ्लावर है, कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर क्या है, तो एक वेजिटेबल है जिसको हम पका कर खाते हैं, कॉलीफ्लावर एक वेजिटेबल है, जबकि बाकी के है जो वो क्या है, तो वो फ्लावर के नेम है। तो यहाँ पे जो कॉलीफ्लावर है उस पर हम सर्कल करें। इसके बाद है पीकॉक, पैरट, लिजार्ड, क्रो एंड वुडपेकर। तो यहाँ पे पीकॉक, पीकॉक क्या होता है, मोर, पैरट मीन्स जो पोपट होता है वो, क्रो मीन्स जो कौवा, वुडपेकर, ओके, ये सारे जो है वो क्या है, तो बर्ड्स के नेम है, सारे के सारे है वो क्या है, बर्ड है। और यहाँ पे लिजार्ड, लिजार्ड क्या है, एनिमल है, लिजार्ड एक एनिमल है, तो यहाँ पे लिजार्ड है उस पर हम सर्कल करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे ऐसे वर्ड्स पे सर्कल कर दिए जो डिफरेंट है, ओके। फर्स्ट है जिसमें सारे वेजिटेबल्स है और उसमें जो फ्लावर है सनफ्लावर, उस पर हम सर्कल किया। उसके बाद सेकंड में सबके सब एनिमल्स है, उसमें मेलन जो है, मेलन वो क्या है, फ्रूट है, इसे उस पर हमने सर्कल किया। उसके बाद थर्ड में सारे के सारे क्या है, ट्रीज है, बाकी के नेम है, और जो स्नेक है वो क्या है, एनिमल है, सांप है, तो उस पर हमने सर्कल किया। उसके बाद रोज़, लीली, वो सब क्या है, तो फ्लावर के है, फ्लावर के नेम है, और जो कॉलीफ्लावर है वो क्या है, एक वेजिटेबल का नेम है, इसलिए हमने कॉलीफ्लावर पर सर्कल किया। उसके बाद लास्ट में पीकॉक, पैरोट, ये सब क्या है, तो बर्ड के नेम है, सारे के सारे बर्ड है, जबकि लिजार्ड वो एक एनिमल है, ओके, इसलिए हम उस पर सर्कल करेंगे। उसके बाद लास्ट में सी अलाउड, फर्स्ट है पूल, PULL, पूल, ओके, पूल, इसका मीनिंग होता है खींचना। उसके बाद है फूल, उसके बाद है फूल, फूल का मीनिंग होता है फूल। उसके बाद है पुट, पुट, PUT, पुट, पुट का मीनिंग होता है रखना। उसके बाद है कूल, उसके बाद है कूल, उसके बाद है रूट, उसके बाद है रूट, उसके बाद है शी, उसके बाद है शी, उसके बाद है कट, उसके बाद है बट, और उसके भी बाद है शर्ट। ये सारे जो वर्ड्स आपको घर में लाउड से बोलने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आज हमने सीखा कि अगर हमारे घर में एक प्लांट लगाना है तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है उसे यूज़ करके हम अपने घर में एक प्लांट लगा सकते हैं। उसके बाद हमने फ्रेंडशिप सलाद, अपने फ्रेंड्स के लिए सलाद बनाना हो तो ये सारी जो चीज़ें दी गई है, टोमेटोज, कैरेट्स, पीस, स्पून यूज़ करके हम जो सलाद है वो हम बना सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट राइट में हमने देखा वेजिटेबल्स, ऐसे कौन से ऐसे जो हम रॉ मस्के कच्चा खा सकते हैं, और कुक्ड जिसे हम पका कर खा सकते हैं। उसके बाद लास्ट वीक, अपने लास्ट वीक में कौन से वेजिटेबल्स खाए थे वो यहाँ पे आपको लिखना है, अपने जो भी वेजिटेबल्स खाए हो वो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ओके। उसके बाद वन एंड मैनी, वन मीन्स सिंगुलर और मैनी मीन्स प्लूरल, ओके। तो यहाँ पे हमने वो भी लिखा, सिंगुलर में भी लिखा और जो प्लूरल है मैनी है उसमें भी लिखा। उसके बाद डिफरेंट, एक वर्ड जो है वो सब में से डिफरेंट होता है, उस पर हमने सर्कल किया ऐसे अलग अलग। उसके बाद से अलाउ, ये सारे जो वर्ड्स है उसको जोर से आपको घर में से बोलना है, तो ये भी हमने देखा। और उसके बाद की जो नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।